तो दोस्तों आज संडे नहीं है, आज है मंडे। फिर भी आप सबके लिए क्यों ना वीडियो लेके आ रहा हूँ। वैसे मैं पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मेंटेनेंस नहीं कर पाते थे। लेकिन एक और जरूरी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल जो है यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो नहीं डाला था, इसलिए आप लोगों ने वीडियो वो नहीं देखा है। तो यार, एक यूट्यूबर को अपने सब्सक्राइबर से चाहिए क्या होता है, वो जो भी वीडियो अपलोड करे आप सब वो वीडियो आप देखें। तो यार, आप सब ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर इस वीडियो को इन डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो यार, आप सब वीडियो को देखा करें, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप उसको देखा करें। तो बिना टाइम से चले क्यों ने को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछते हैं राहुल सैनी टेक्निकल, कि आपको आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं? 60% सपोर्ट करते हैं भाई। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं सोम दत्ता WB, पिन कमेंट कैसे करें? तो आपको जिस आईडी से किसी कमेंट को पिन करना है, उसी आईडी को आपको जो है वो वाली वीडियो अपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रीन कोड लगा देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको जिस भी कमेंट को आपको पिन करना है, उसके बगल में आपको 3 डॉट का लाइन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पिन पर क्लिक करके आप किसी को भी पिन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं मैथमेटिक्स एनीवे, और यहाँ पर भाई पूछते हैं कि क्या दूसरे के चैनल के नेम के हैशटैग अपने चैनल पर यूज कर सकते हैं? वाह, ये सवाल जो है भाई पिछली बारी Q&A वीडियो में भी पूछा था, लेकिन मैंने इनका आंसर भी कर दिया था और इनका क्वेश्चन भी मैंने पिक कर लिया था। लेकिन भाई वीडियो को पूरा देखे तब तो पता चलेगा कि उसका कमेंट भी पिक हो गया है और उसके सवाल का जवाब ही हमने दे रखा है। भाई पूरा वीडियो ही नहीं देखते तो कहाँ से पता चलेगा, और हो सकता है ये वीडियो भी पूरा नहीं देखा होगा, बस आकर कमेंट करके चला गया होगा और फिर से अगले संडे को यही सवाल पूछ लेगा भाई। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं अंशु XOP, ये भाई 3 सवाल पूछते हैं, उन तीनों सवाल का हम जवाब दे देते हैं। यहाँ पर पूछते हैं भाई बिना वॉइस बिना फेस के वॉच टाइम पूरा हुआ तो YouTube हमारा चैनल मोनिटाइज करेगा? YouTube तो आपका चैनल मोनिटाइज कर देगा, लेकिन जो आपने यहाँ पर सवाल में पूछा है बिना वॉइस, लेकिन आपके वीडियो में वॉइस ही नहीं है, चाहे आपका वॉइस नहीं हो किसी और का है, लेकिन उस वीडियो में आपका वॉइस ही नहीं है तो फिर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। क्योंकि YouTube साफ साफ कहता है कि जिस वीडियो में वॉइस नहीं वो वीडियो हम वो चैनल मोनिटाइज हम नहीं करते हैं। तो अगर आपके वीडियो पर वॉइस नहीं है तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, किसी और का ही है तो फिर हो जाएगा। वैसे किसी और का है तो वो तो ज़रा सा भी नहीं होगा, क्योंकि वो रियूज कंटेंट में आ जाता है। यहाँ पर तीसरा सवाल पूछते हैं भाई अगर हम दूसरे के नाम का हैशटैग यूज करते हैं और हमारा वॉच टाइम हो गया फिर अप्लाई करेंगे तो होगा हमारा चैनल मोनिटाइज? नहीं होगा, आपको मेटा डाटा प्रॉब्लम बदल कर आपको रिजेक्ट कर देगा। जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं तब तक आप ये तो कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप अप्लाई करने के सोचे उससे पहले ही आपको ये सारे चीज़ें आपको एडिट करके आपको हटा देना है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं जामिया मफलिहात, मेरा चैनल चेक, तो आज शाम लाइव आ रहा हूँ तो आप लाइव में ज्वाइन होइए, मैं आपका चैनल चेक कर दूंगा। वैसे वीडियो में तो चेक नहीं कर सकता ना, लाइव में ज्वाइन होइए मैं आपका चैनल चेक कर दूंगा। और यहाँ पर एक और सवाल चैनल चेक से ही है, तो उनका भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी लाइव में आइए, हम आपका भी चैनल चेक कर देंगे। इंडियन टाइम 7:05 और नेपाली टाइम 7:20 में लाइव आ रहा हूँ, तो आप सब ज्वाइन होइए, आपका चैनल चेक कर दूंगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं नोजर, कोई ऐप से लाइव करता है तो वॉच टाइम आएगा? अगर वो लाइव पब्लिक रहेगा तो वॉच टाइम आएगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं साहिल गेमिंग 2M, सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए? तो देखो दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना है। उसके बाद जो कोई अगर तरीका वगैरह है उसको आपको यूज करना है, लेकिन आपको तो तरीका ही नहीं मालूम है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं टेक्निकल सुजात ब्रो, लाइव स्ट्रीम को अगर प्राइवेट रखा तो वॉच टाइम काउंट होगा या नहीं? नहीं होगा, लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम तभी काउंट होता है जब वो लाइव स्ट्रीम पब्लिक रहे, तभी होता है। अगर प्राइवेट है या फिर अनलिस्टेड है तो फिर आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं टेक्निकल स्नोवर, कंटेंट इम्प्रूव कैसे करें? कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए आपको सिंपली से आप जो एक हफ्ते में वीडियो डालने वाले हो वो कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो डालने वाले हो वो टॉपिक आपको अपने एक नोट पैड में आपको नोट कर लेना है। और आपको एक हफ्ते के लिए आपने लिखा है वो जो टॉपिक, आपको एक हफ्ते में आपको वो टॉपिक ख़त्म करना है, यानी कि आपको एक हफ्ते आपको रेगुलर रहना है। रेगुलर जब रहने लगोगे आप तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिक से इम्प्रूव होने लगेगा। मेरा पहला वीडियो जो आप देखोगे तो यार आपको हंसी आ जाएगा, लेकिन अभी आप देखोगे तो उससे मैं थोड़ा भी सुधार लाया, लेकिन अभी भी सुधार नहीं है। यहाँ पर बस सिर्फ 20-30% मैंने सुधार किया है, अभी भी बहुत कुछ सुधारने को बाकी है। तो हम सब कुछ सुधार देंगे, जितना कुछ होता है वो सब कुछ हम सुधार देंगे, बस आप सब इंतज़ार करिए। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो विजय की टीप भाई पूछते हैं कि टेक चैनल की क्या भविष्य में डिमांड रहेगी?
तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये आइडिया कहाँ से है कि ये टेक चैनल का डिमांड जो है भविष्य में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि जितने सारे आप चैनल जो देख रहे हो ना, टेक से टेक को छोड़कर जितने सारे चैनल देख रहे हो वो सब के सब टेक से ही बने हैं। तो आप ऐसा मत सोचे कि टेक चैनल के लिए भविष्य में डिमांड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। टेक चैनल हमेशा डिमांड में रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक टेक चैनल डिमांड में रहेगा, लोग उसको देखते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे और आपके भी वीडियो देखते रहेंगे। टेक चैनल कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि जितने लोग सीखते हैं ना वो सब के सब टेक चैनल से ही सीखते हैं, तो टेक चैनल कभी भी कम नहीं होने वाला है। और यहाँ पर अभी तो टेक चैनल का कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि इसका डिमांड ख़त्म हो जाएगा, इसका डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। टेक चैनल टेक कैटेगरी का क्रेज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ने वाला भी है। तो बस आज की क्यों वीडियो में इतने सवाल थे, तो मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दे दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इस वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, मेरा एम है तो कंप्लीट करवा दीजिए। और यूट्यूब से रेडियो डिग्री कर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान अपना एंड लव यू। और जो बातें मैंने आपको शुरू में बताया वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, जो जाके आपसे देख सकते हैं अभी।